देखा जिस लड़की ने खुद अपने मुँह से जवाब दे दिया बेस रिश्ता थोड़े नाल नहीं करना उस वे उस बंदा बब्बू बोलिया भी उन्होंने शूट कर दियो उन्हें पिस्तौल कढ़िया छेती ने फिर उच्चों तो उन्हें पहले मेरी बेगम दे बेटी ते फायर किया फिर मेरी बेगम तो उन्हें किया फायर उन्हें किन्ना फायर किया मुंडे ने खुद किया मुंडे ने खुद किया बाप के कहने ते मुंडे ने फायर किए बाप ने कहा तू फायर कर दे तो मुंडे ने फायर कर दिए हमारे घर उजड़ गया मेरी बेटी सी माम मेरी बेगम साढ़े घर कोई नहीं गा भैया सिर्फ मुंडे मुंडे रह गए मेरी बेटी भी खत्म करता मेरी बेगम भी खत्म करता उन्हें ये भी मारा था फायर तो आप बच गए जी बच गए मोबाइल पॉकेट में था मोबाइल को लगा गोली मोबाइल को लग गई थी वो थोड़ा सा जख्म बना है तो यानी कि मोबाइल की वजह से बचत हो गई है। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं कहता हूँ कि लाहौर की सरजमीन पर ऐसा वाक़या हुआ, एक खामंद के सामने उसकी बेटी और उसकी बीवी को दिन दिहाड़े गोलियां मार के मैं कहता हूं कि मार दिया जाता है और उन एक बेटे के सामने उसकी माँ को और उसकी बहन को दिन दिहाड़े गोलियां मार के मैं कहता हूं मार दिया जाता है। नाज़रीन, ये वाक़या पेश इस वजह से आया कि जो इनकी बहन थी और इनकी जो बेटी थी रिश्ता मांगने आते हैं, इन्होंने ना कर दी और उन्होंने आगे से जवाब में इन्हें इनकी बेटी और इनकी जो बीवी और इनकी वालदा के ऊपर शरेआम इनकी आंखों के सामने फायर करके मैं कहता हूं कि इनकी आंखों के सामने इनका जो मारा है। इनसे जानेंगे कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, ये जाय वक़ूअ पर मौजूद थे, क्या वाक़या था, किस तरह उन्होंने इनके ऊपर फायर किए और किन ने किनों ने किए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर आपकी बेटी के मतलब कि वो आपकी बेटी को देखने के लिए आते हैं, पसंद करने के लिए आते हैं, रिश्ते के लिए आते हैं, तो ऐसा क्या मामला पेश आया जो घर जुड़ने जगह थे वो टूट गए हैं, क्या वैसा मामला पेश आया कि उन्होंने आपकी बेटी को और आपकी जो बीवी है उसको फायर करके मारा है, क्या वजह बनी इसके? आप मौजूद थे? हाँ जी, हम मौजूद थे। उसका वालद आया था नाल इत्थे, मिन्नत माजरा करने वास्ते सानू रिश्ता दे दिओ, असीं इनकार करते बस रिश्ता नहीं करना भी गुजरात बहुत दूर है, भी साढ़े छोटी फैमिली असं इतने नेड़े शहर के लाहौर में रिश्ता करा कि असं इन्ना दूर रिश्ता नहीं करना। रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार नहीं थे वो, गुजरात के लोग हम नहीं जानते वो कौन है तो कौन नहीं है। किस तरह आपका उनसे मुलाकात हुई वो रिश्ता लेके आए? वो हमारी बेटी जो वो डॉक्टर थी मैं उस साल उनकी लड़कियाँ भी उधर काम करती थी, वो लड़कियों ने बात चल रही थी कि हमारा भाई है इस तरह सऊदिया में रहता है तो हमारे साथ रिश्ता जारी कर लो। उनकी पहले एक मम्मी आई हमारे पास रिश्ता देखने के लिए, फिर हम लोग गए थे लेकिन वो जैसी कि वेखन गए साढ़े पसंद नहीं आए, उन्होंने जवाब दे दिया साढ़े पसंद नहीं आए। तो आप भी वहाँ पे गुजरात देखा लड़के को देखा? लड़का तो है नहीं, गुजरात वो सऊदिया में था। उनका घर का माहौल देख के अनफिट कर दे के हम पसंद नहीं करते? पसंद नहीं करते हम लोग, समय पसंद नहीं, हमने फ़ोन पर जवाब दे दिया बस रिश्ता नहीं करना। उसके बावजूद फिर वो आए आपके घर, ज़बरदस्ती आए? हाँ, उसका अबू सॉरी करता, हम सॉरी करेंगे तुम्हारे बेटे की गलती होगी, हम उसको सुलाएंगे बेटे की गलती को सुलसाए लें, लेकिन हम रिश्तेदारी करते हैं मैं कह रहा हूँ बस रिश्तेदारी करनी नहीं, फिर तो इतने आने का मकसद की थोड़ा, जिस रिश्तेदारी करनी नहीं थोड़े नाल फिर की मकसद है? नहीं एक करी चलो सियाने थोड़े को सॉरी करने मेहनत करने सिक्र लाजमी थोड़े को ला रहे हैं तुम सुबह कर रहे हो। मैं कहा चलो ठीक है, आजकल रिश्ते वाले लोग घर आते जाते रहते हैं, इधर आए तो कहते लगे रिश्ता करने हैं, मैं कह नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे एड्डी दूर ऐसे नहीं करना, ऐसी कोई मामला नहीं, कोई उच्ची नहीं बोले ना साढ़े नौ गल ना गल की ना सी की। देखा जिस लड़की ने खुद अपने मुँह से जवाब दे दिया बेस रिश्ता थोड़े नाल नहीं करना उस वे उस बंदा बब्बू बोलिया भी उन्होंने शूट कर दियो, उन्हें पिस्तौल कढ़िया छेती ने फिर उच्चों तो उन्हें पहले मेरी बेगम दे बेटी ते फायर किया फिर मेरी बेगम तो उन्हें किया फायर उन्हें किन्ना फायर किया मुंडे ने खुद किया बाप के कहने ते मुंडे ने फायर किए बाप ने कहा तू फायर कर दे तो मुंडे ने फायर कर दिए मेरी साढ़े सामने मेरी अखा सामने मेरी बेगम डैथ उत्थे मौके तो हो गई बेटी मेरे थोड़ा फायर लग गया अस्पताल लै गया थोड़ा कुछ चंद दिन गुजरी चार ते पाँच दिन जी हुई अस्पताल में तो उनकी अस्पताल उनकी भी डैथ हो गई हमारे घर उजड़ गया मेरी बेटी सी माम मेरी बेगम साढ़े घर कोई नहीं गा भैया सिर्फ मुंडे मुंडे रह गए मेरी बेटी भी खत्म करता मेरी बेगम भी खत्म करता उन्हें। नाज़रीन, हम क्या बयान करें एक बाप के सामने उसकी जवान बेटी बीवी घर की रौनक ही मैं कहता हूँ कि औरतें होती हैं इनकी आंखों के सामने उनको मारा गया
और किसके कहने पे आपने उन्हीं की ज़ुबानी उन्हीं की कहानी सुनी। हम रियासत मदीना बनाने वालों से पूछते हैं कि ये कहाँ का कानून है कि रिश्ता नहीं डिसाइड हुआ, नहीं पसंद आया, ना होगी तो आगे जो लड़की वाले हैं, औरत है वो ज़ात, तो उसको इस तरह फायर मार के मार दिया जाए। नाज़रीन, हम रियासत मदीना हम देख तो रहे थे, बड़े बड़े दावे थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन रियासत मदीना में तो इस तरह के काम नहीं होते। वहाँ पे तो कोई चोर चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, ये तो फिर एक कत्ल किया, एक मारा है, एक दो माँ बेटियों को जान से मारा है। नाज़रीन, एक कत्ल एक किसी एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर होता है। तो हमारे साथ इनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि जब इन्होंने देखा अपनी माँ को, अपनी बहन को, तो किस हाल में पाया, किस तरह ये वाक़या पेश आया, जाए वकुआ पर ये मौजूद थे, क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या ठीक ठाक, शुक्र है पापा। सर, आपकी जब बहन को और आपकी माँ को जब फायर मार के मारा गया, ये सारी आपके पापा ने तफसील बता दी कि इस तरह उन्होंने कहा, आपने देखा, आप वाकई में मौजूद थे जाए वकुआ? जी बिल्कुल, मैं मौके पे वहीं पे मौजूद था। आपने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने आपकी बहन को, माँ को फायर मार के मार दिया? जी बिल्कुल, उसने मुझे भी मारा था फायर। तो आप बच गए? माँ जी बच गए, मोबाइल पॉकेट में था, मोबाइल को लगाया, गोली मोबाइल को लग गई थी, वो थोड़ा सा ज़ख्म बना है, तो यानी कि मोबाइल की वजह से बचत हो गई है। तो उन्होंने मेरी अम्मी को, पहले सिस्टर को गोली लगाई है, फिर अम्मी को मारी है, फिर तीसरे नंबर उसने फिर तीसरा शूट मुझे किया। अच्छा, जब वो शूट कर दिया उन्होंने, तो यहाँ से वो भागे हैं, क्या किया इस तरह का, को क्या मामला बना? आवाज़ जब आई है, जब पिस्टल की आवाज़ आई, हमारे ही हमसाए राइट लेफ्ट जितने भी थे इकट्ठे हो गए, मैंने खुद शोर मचा दिया, तो फिर उन्होंने पकड़ लिया। कुछ अचानक से कुछ दोस्त गली में गुजरे, वो भी आ गए, फिर काफ़ी रश पड़ गया, उनको पकड़ लिया, जाए वकुआ पे पकड़ लिया। जी, जाए वकुआ पे पकड़े गए वो। तो उसके बाद मम्मी और यहाँ सिस्टर को प्राइवेट गाड़ी, एम्बुलेंस बहुत लेट हो गई, प्राइवेट गाड़ी भी हॉस्पिटल पहुँचाया, अम्मी की यहाँ पे मौके पे डेथ हो गई थी उनकी। अच्छा, वो पकड़ के आपने फिर कॉल वगैरह की पुलिस वगैरह को? हाँ, उनको भी कॉल किया, सब थोड़ा आधा आधा घंटा लग गया था दोनों को ही, एम्बुलेंस को ज़्यादा टाइम लग गया था, एम्बुलेंस नहीं आई वो। फिर हमने दूसरी गली में लोग थे, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी गली में, उनकी रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ तक वहाँ तक पहुँचा दें हॉस्पिटल तक। नाज़रीन, हम क्या बयान करें, उनके घर का तो समझ लेके रोन के ही ख़त्म हो चुकी हैं वो। अब बेटा है, बाप है, उनके हस्बैंड है, मैं क्या तो किस तरह बयान कर सकते हैं। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं, आप हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं इमरान ख़ान साहब और हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, उनका हलका ही है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, क्या उनसे अपील चाहते हैं कि जिस तरह हमारे माशरे, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के आए दिन कोई ना कि नए से नए केसेस आते रहते हैं, सुलह हो जाती है, पैसे दे के ठप कर दिया जाता है, आया कि इस तरह होगा, क्या कहते हैं आप? हम तो कहते हैं उसको फांसी होनी चाहिए, दोनों प्यो पुत्र किसी को और भी घर खराब करेंगे। आज इसको माफ़ी दी जाएगी, कल और लोग भी माफ़ी मांगने के लिए बड़े तैयार हो जाएंगे, पैसे दे लेंगे, लेकिन हमें तो इंसाफ चाहिए, इसको फांसी चढ़नी चाहिए दोनों प्यो पुत्रों को। मेरा वस्ता उजड़ा ना घर उजाड़े, आनंद अल्लाह ने भी घर उजाड़े। मैं तो नवाज अपील करता हूँ इमरान खान से, बिन को फांसी तो फांसी देनी चाहिए दोनों प्यो पुत्रों को। हमारी हुकूमत से खसूसी अपील है कि इस फैमिली को, इस बाप को, इस बेटे को और इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए कि इस रियासत मदीना के अंदर जो बना रहे हैं, बनने तो जा रहा था, लेकिन हमें जो रियासत मदीना में इस तरह के काम नहीं होते, शरेआम लोगों को मार देना, फायर करके, शूट करके, इस तरह के हम तो नहीं देखते रियासत मदीना में होते हैं। लिहाजा हमारी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से खसूसी अपील है कि उनका ये हल्का, उस्मान बुज़दार का ये इलाका लाहौर का, तो मैं कहता हूँ कि उनसे खसूसी अपील है कि वो कुछ नोटिस लें और वो जो कातिल हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको चौक चौराहों के अंदर फांसी दी जाए। अगर एक को भी दे दी तो आने वाला जो करने वाला ना, वो सोचना तो बड़ी दूर, करना तो बहुत दूर की बात है, वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान, जिंदाबाद।